बड़े दिस इज़ मेरा दा फातिमा एज़ यू गाइज़ ऑल नो एंड आई होप आप सब ठीक होंगे. सो वैसे मैं अपनी जो है वो ब्राइड्स के ट्यूटोरियल अपलोड करती रहती हूँ आई जी टी वी पे, बट टुडे आई विल बी शेयरिंग दिस ट्यूटोरियल विद माई वॉइस ओवर. ओके सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग हियर इज अप्लाइंग दिस ऑरेंज करेक्टर ऑन माई ब्राइड्स फेस. एंड ये ऑरेंज करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ़ योर क्लाइंट्स हैव पिगमेंटेशन ऑन हर फेस. सो आई सजेस्ट दिस कि आप जो है पहले ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करें, देन जो है अपना फाउंडेशन अप्लाई करें. ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करने के बाद मैंने इसमें अप्लाई किया है प्राइमर, एंड प्राइमर मैंने मेबलिन का अप्लाई किया है. ऑरेंज करेक्टर जो है वो एलिप्रो का है. So now to set her face, I'm using MAC Fix Plus. So now the reason of fixing spray जो मैंने फाउंडेशन से पहले किया है इसका है कि जितनी भी लेयर हमने पहले अप्लाई किए हैं लाइक ऑरेंज करेक्टर की और प्राइमर की, ये साथ सेट हो जाएंगी और आपका फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग. ओके तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एंड लाइटर टोन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स तो हमसे खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है वो थोड़े ब्राइटर टोन का फाउंडेशन यूज़ किएगा, और अगर कुछ जो है वो ब्राइट्स अगर नहीं कहती हैं उनको स्किन टोन पर फाउंडेशन चाहिए होता है, तो फिर भी वन टोन लाइटर मैं फाउंडेशन रखती हूँ, बिकॉज फाउंडेशन सारे ऑक्सीडाइज होते हैं और इवन तक जाते जाते उनका जो है वो कलर ऑक्सीडाइज हो जाता है वन और टू टोन. तो उसी के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं अगर ब्राइटर टोन है, तो इस वीडियो के एंड में आप देखिएगा कि ये फाउंडेशन की स्किन पर बिल्कुल सेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हर स्किन टोन. एंड एज यू गाइस कैन सी है कि मैंने ऑरेंज पीची टोन का जो है वो शैडो अप्लाई किया एज अ ट्रांजिशन शेड. अब मैं उसको डार्क ब्राउन कलर से लेके डार्क कर रही हूँ, थोड़ा डीप कर रही हूँ, एंड देन अब जो है मैं गोल्डन मेटालिक शेड अप्लाई कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़े से ग्लिटर पॉप करूँगी. अच्छा काफ़ी लोग मुझसे मेटालिक और ग्लिटर शेड्स का पूछते हैं, तो मैं बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के यूज़ करती हूँ, बट ये वाला जो है कि पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगे, तो जो इनका पेज है वो मैं लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं. ओके सो नाउ एज यू गाइस कैन सी कि मैंने जो है वो ग्लिटर अप्लाई कर लिया है, और जो मैं ट्रांजिशन शेड था मैं अब उसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ, सो दैट जो मेरे मेटालिक शेड है और जो मैंने ग्लिटर अप्लाई किए हैं आईलिड पे वो जो है सेपरेट हो जाएंगे. और यहाँ पे मैंने जो है वो आई के एंड कॉर्नर पे ब्लैक शेडो से थोड़ा सा स्मच लुक दे दिया, सो दैट जो मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ यू कैन सी थोड़ा जो है वो लाइनर स्मजी लग रहा है. एंड हियर आई एम यूजिंग इनलॉल्ड आईलाइनर, और इसका जो शेड नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी. दिस आईलाइनर इज़ वन ऑफ द बेस्ट आईलाइनर. इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये लगने के बाद जो है स्मच नहीं होता, या अगर आपको स्वेटिंग वगैरह हो तो ये जब भी फैलता नहीं है, बट ये अपनी जगह पे अगर आपने एक दफा अप्लाई कर दिया तो ये स्टिक रहता है. और यहाँ पे मस्कारा जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये आईटी का मस्कारा है, और ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल जेट ब्लैक है. अच्छा मे बी आप मेरे काफ़ी ट्यूटोरियल्स में जो है ये चीज़ नोट करते होंगे कि मैं मस्कारा जो है मस्कारे पे काफ़ी टाइम देती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि अगर मैं मस्कारा सही से अप्लाई नहीं करती तो जब लैशेज अप्लाई हो जाती हैं तो उसके बाद जो आपकी नेचुरल आई लैशेज हैं वो ग्रे का टोन जो है वो देती हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बहुत अननेचुरल लगता है. इसलिए मैं मस्कारा जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से अप्लाई करती हूँ, सो दैट जो मेरी आई लैश एक्सटेंशन है उसके साथ ये बहुत अच्छी तरह से मिक्सड हो जाती है. ओके सो दोबारा स्प्रे करने के बाद हेयर एंड कॉन्टोरिंग हर फेस, और आपको जो है वो खुद देखना होगा कि आपको किस क्लाइंट के या किस पर्सन के फेस पर कैसा कॉन्टोर करना है, बिकॉज हर किसी का शेप जो है वो डिफरेंट होता है. एंड लेट मी मेंशन यू दैट पर्सनली आई डोंट लाइक हैवी कॉन्टोर्स, तो मैं बहुत हल्का हल्का कॉन्टोर करती हूँ. तो कॉन्टोर करने के बाद मैंने ब्लश अप्लाई किया, ब्लश भी आपकी मर्जी, आपके क्लाइंट का फेस है या जिसके आप ऊपर मेकअप करें, या अगर आप अपने ऊपर मेकअप करें तो आप अपनी मर्जी से जो है वो ब्लश अप्लाई कर सकते हैं. और हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो है मैंने दोबारा इनके लिप्स पे लिप बाम अप्लाई की, सो दैट जब मैं लिप कलर अप्लाई करूँ तो लिप्स इनके हाइड्रेटेड हो, क्योंकि हम अप्लाई करेंगे लिक्विड लिपस्टिक और लिक्विड लिपस्टिक मोस्टली जो है वो आपके लिप्स को ड्राई कर देती हैं, तो उसके लिए यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आपको जो है वो अच्छी तरह आपके लिप्स जो है वो हाइड्रेटेड हो. तो आई शैडो मैंने थोड़ा पीजी टोन्स रखे थे एंड दैट इज वाई आई वांट हर लिप कलर टू बी कोरल पिंक, तो मैंने जो है वो कोरल पिंक अप्लाई किया. सो या दैट्स इट, दिस इज अ फाइनल लुक एंड यू कैन सी शी इज लुकिंग सो प्रीटी माशाल्लाह. एंड मैंने सोचा कि मैं वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए इजी रहेगा टू अंडरस्टैंड कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ किया. चलो मिलते हैं माय नेक्स्ट वीडियो, जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.